हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं फिर एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए लाइट के ऊपर। ओके बच्चों, तो पिछला आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। माना कि थोड़ा लेंथी चैप्टर है पर मज़ेदार है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स है उनकी बात करेंगे, ठीक है, और भी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर में याद है ना आपने क्या पढ़ा था? मिरर पढ़ा था बच्चों, टाइप ऑफ मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के थे, याद है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, सब कुछ याद है ना। और इमेज फॉर्मेशन देखी थी किससे बच्चों? प्लेन मिरर से। इमेज कैसे बनती है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर या इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं ना बच्चों। और ये देखा था कि प्लेन मिरर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स है वो पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पहले उनको जान लेते हैं कि है कौन से टर्म्स। ठीक है, फिर करते हैं आगे, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टर्मिनोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्फेरिकल मिरर बना लेता हूं। अब स्फेरिकल मिरर तो पता है ना, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? क्या होता है? जिसकी स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फेयर का पार्ट हो, वो स्फेरिकल मिरर होते हैं। वो दो टाइप के पड़े थे। ठीक है, तो एक बना लेता हूं मैं, ये देखो। और भाई बन गया स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अभी मिरर नहीं बनाया बच्चों, मिरर तो अब बनेगा। ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया एक साइड से। ये कौन सा मिरर है बच्चों? अरे कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या है? केव के अंदर है। तो कौन सा ये? कॉनकेव है। ठीक है, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी बताऊं क्या है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं बच्चों। जो ये देखो, ये मिरर है, मिरर का जो ये मिड पॉइंट होता है, मिरर का ये जो मिड पॉइंट, ये देखो, इसको बच्चों कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ये जो मिरर है ना, इसका जो ये मिड पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? पोल, POLE, पोल, या वर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो एक पॉइंट समझ में आया, समझ में आया। इसको बच्चों पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे करते हैं? पी से। अब ध्यान से देखो बच्चों इस मिरर को। ठीक है, ये देखो, ऐसा लग रहा है क्या कि ये एक स्फीयर का टुकड़ा है? अरे स्फीयर का टुकड़ा है सर, जब भी तो उसको स्फेरिकल मिरर। अच्छा, आपको पता है क्या? फिर ठीक है, तो देखो, ये देखो एक स्फीयर बन गया, बन गया स्फीयर। ठीक है, तो बच्चों इस स्फीयर का सेंटर भी तो होगा, ये रहा सेंटर, है ना, इस स्फीयर का सेंटर। तो जो स्फीयर का सेंटर होता है उसको कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई? स्फीयर का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको बच्चों किससे डिनोट करते हैं? बच्चों सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये जो पॉइंट है ना, ये जो सेंटर है, इसको सी से डिनोट करते हैं। यहां लिख दूं मैं, ये लो लिख दिया। ठीक है, तो दो चीजें पता चल गई, पोल क्या होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब तीसरी बात करते हैं बच्चों, ये देख रहे हो, ये C एंड P क्या है बच्चों? C एंड P, ये जो CP है, ये जो डिस्टेंस है, क्या है बच्चों? ये ऐसा नहीं लग रहा, ये इस स्फीयर की रेडियस है। अरे रेडियस ही तो है, क्या है? रेडियस। इसको बच्चों क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो CP है, क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्यों है? अरे स्फीयर की ये रेडियस ही तो होगी, रेडियस ही तो होगी, इतनी बात तो आपको पता है।
ठीक है, तो आपको पता चल गया ये जो सीपी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। और इसको बच्चों आर से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, याद रखना बस, ठीक है, याद रखना। तो तीन चीजें पता चल गई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब एक और चीज बच्चों, बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है बच्चों, ओहो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है बच्चों, कहां से जा रही है, सी और पी से, ये देखो बिल्कुल सी और पी के यहां से ही तो जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, सी एंड पी को। इस लाइन को क्या कहते हैं, इस एक्सिस को क्या कहते हैं बच्चों, ये जो एक्सिस है ना इसको क्या कहते हैं, बच्चों जो ये स्ट्रेट लाइन है जो सी और पी को ज्वाइन कर रही है, स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, दिमाग में ढाल लेना। अरे ये री लाइन सीधी, क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, किसको किसको ज्वाइन कर रही है, सी एंड पी को, ये देखो पोल है कि नहीं है, समझ में आई इतनी बात, इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड। तो चार चीजें पता चल गई, अब पांचवी चीज, पांचवी टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी बच्चों, ये जो प्रिंसिपल, अब मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहूंगा, ये पूरी क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो एक्सिस है ना इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, पता चल गया आपको, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस पर सी और पी, प्रिंसिपल एक्सिस पर सी एंड पी के बीच में एक पॉइंट होता है, किसके बीच में, सी एंड पी के बिल्कुल यहां बीच में, बिल्कुल इसके बीच में, हाफ इधर हाफ इधर, मेरी बात को सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस पर सी एंड पी के बीच में, बिटवीन सी एंड पी पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, फोकस, क्या कहते हैं, फोकस, क्या कहते हैं, फोकस, फोकस पॉइंट भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो समझ में आई मेरी बात, फोकस कहां होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सी एंड पी के बीच में, ठीक है, ये रहा बिल्कुल सी और पी के बीच में है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो क्या कहते हैं बच्चों, फोकस भी कहते हैं, फोकस पॉइंट भी कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ये रहा, ठीक है। और बच्चों एक और चीज, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, किसके बीच की डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस को बच्चों क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ये यहां से लेके, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, फोकस एंड पोल की बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, ये जो है ना ये इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो इतना समझ में आया, फोकल लेंथ समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं, हमने जितनी भी डिस्टेंस को मेजर किया या जितने भी हमने टर्म्स पढ़े, जितने भी टर्म्स हम मेजर कर रहे हैं, कहां से मेजर कर रहे हैं बच्चों, पोल से मेजर कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा मैंने सबसे पहले पोल बताया था, ठीक है, पोल से ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, इस पोल से ही मेजर करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, पोल से ही फोकस मेजर करेंगे, कहां से करेंगे, पोल से ही फोकस को मेजर करेंगे। तो जितनी भी चीजें है इसके अंदर कहां से मेजर कर रहे हैं बच्चों, पोल से। तो पोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ढाल लेना, जितनी भी चीजें मेजर करते हैं कहां से करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। तो ये चीज समझ में आई, फोकल लेंथ समझ में आई, ये री फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो यहां लिख दू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय टू,
रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। अरे हाफ ही तो होगी, ये पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इसकी आधी तो है, हाफ ही तो है क्योंकि ये बीच में है, बिल्कुल है कि नहीं है। तो ये r बाई टू होगी। और फोकल लेंथ को बच्चों स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ये रहा, तो ये याद रह जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई टू, याद रह जाएगा, स्मॉल f इज इक्वल टू r बाई टू, जो यहां से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, पोल पढ़ लिया। पोल क्या होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। सेकंड क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फीयर बना है इसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ा था बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, एक जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको ज्वाइन कर रही है, सी एंड पी को ज्वाइन कर रही है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर पढ़ी थी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो है ये रेडियस ही तो है, सब पहले रेडियस पढ़ी थी बच्चों, है ना, ये रेडियस आई थी पहले, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था। ठीक है, फिर फोकस, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होता है फोकस, ये रहा बिल्कुल बीच में। ठीक है, फिर फोकल लेंथ पढ़ी थी, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, हाफ ही तो होगी, ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस की आधी ही तो है कि नहीं है। तो ये समझ में आया। एक और चीज होती है बच्चों, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकल प्लेन बच्चों, फोकल प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है, प्लेन समझते हो ना, कैसे समझाऊं, ये रहा, दैट इज प्लेन, दैट इज प्लेन, देखो ये प्लेन है ना, प्लेन है। फोकल प्लेन क्या होता है, एक प्लेन जो बच्चों फोकस को काटता हुआ, ये देखो फोकस है कि नहीं है, फोकस को काटता हुआ ऐसे पड़ा हो, है ना, ऐसे पड़ा, उसको क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, इमेजिनरी फोकल प्लेन, ओके, जो क्या है, फोकस को काटता हुआ। अभी मैं बताता हूं कैसे, ये देखो यहां रखा था ना मैंने अभी, ओ यस, ये रहा फोकल प्लेन, जो क्या होता है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के राइट एंगल पे होता है, परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, अभी मैंने जो इसे रखा था ये फोकल प्लेन को काटता हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस के राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे, इसको क्या कहते हैं बच्चों, फोकल प्लेन, याद रखना। ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। तो ये समझ में आई मेरी बात, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, दो और चीजें। हाँ, अब बात करेंगे बच्चों रियल इमेज की, ये भी इसकी क्या है, एक टर्म्स है, किसकी, स्फेरिकल मिरर की, ओके, किसकी बात करेंगे बच्चों, रियल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अच्छा, अगर याद होगा तो मैंने शायद बताया है थोड़ा सा पहले, याद होगा तो, अगर याद नहीं है तो मैं वापस बता देता हूँ कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। अच्छा, रियल मतलब असली और वर्चुअल मतलब नकली, है ना, और इमेज का मतलब तो समझते हो ना, इमेज जो बनती है मिरर से, वो वाली इमेज। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ ए मिरर। एक मिरर बना लिया है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। एक इधर मिरर बना लिया, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है क्या, ठीक है, ये इसका पोल हो गया, पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सही है, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है इधर से, ठीक है, आ रही है, यहां से टकराएगी, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करती है, रे ऑफ लाइट को बाउंस बैक करा देती है, रिफ्लेक्शन करा देती है, तो यहां से टकराएगी, टकराएगी कि नहीं टकराएगी, चलो भैया ऐसे चली गई, ठीक है, यहां चली गई, दूसरी रे ऑफ लाइट आई, ओहो ऐसे चली गई, ये भी टकराई, यहां से चली गई। अब बच्चों ये जो रे ऑफ लाइट एक ऐसे गई, फिर यहां चली गई, एक ऐसे आई, यहां से टकरा के यहां चली गई, ठीक है, अब ये दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट कर रही है वो देखना है, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कहां कर रही है वो ध्यान देना है। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है। तो बच्चों
यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, क्या ये एक्चुअल में मीट कर रही है, ये सच में मीट कर रही है ना बच्चों, ध्यान से देखो सच में मीट कर रही है कि नहीं कर रही, आई चली गई, आई चली गई, सच में मीट कर रही है। तो यहां पे कौन सी इमेज फॉर्म होगी बच्चों, रियल इमेज, जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करती है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, आई जूम, आई ठीक है, लेफ्ट, चलो एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे चली गई, ठीक है भाई, दूसरी रे ऑफ लाइट आई चली गई पीछे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये टकरा के पीछे चली गई, ये टकरा के पीछे चली गई, है कि नहीं है, पीछे चली गई। अब क्या करें, ये जाएंगी पीछे जूर, जूर। अब ये मीट करेगी क्या कहीं पे, ध्यान से देखो, अरे कहीं नहीं मीट करेगी, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही है। जो डाइवर्जिंग रे होती है वो क्या कभी मीट करती है, एक्चुअल में मीट करेगी, नहीं करेगी। तो बच्चों अगर मैं इन रेज को ऐसे पीछे लेके आऊं, ये देखो, अगर रेज को ऐसे पीछे लेके आए तो यहां मीट कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो मिरर है उसके अंदर मीट कर रही है। ये मिरर के अंदर वाली साइड है, ये मिरर की बाहर वाली साइड है, इसमें भी बच्चों ये मिरर की अंदर वाली साइड है, ये बाहर वाली साइड है, तो इसमें तो बाहर मीट करी थी और इसमें देखो बच्चों अंदर मीट करी है, मतलब लग रहा है कि वो हाँ अंदर मीट करी, एक्चुअल में तो मीट करी नहीं रही, एक्चुअल में कहाँ मीट करी, तो डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज कभी मीट करती है क्या, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, पर ऐसा लग रहा है कि हाँ अंदर मीट कर रही है। तो जब ऐसे मीट करती है, ऐसे इंटरसेक्ट करती है रेज, तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है बच्चों, वर्चुअल इमेज, कौन सी फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है बच्चों, जो रेज ऑफ लाइट होती है रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं करती, बट अपीयर्स टू मीट, हमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही, लगी तो रहा है अंदर मीट कर रही है, किसके अंदर, मिरर के अंदर। तो वर्चुअल इमेज समझ में आया और रियल इमेज समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो उसको, ये तो इजी सा था ना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। और मैं इतना ज्यादा क्यों बता रहा हूं आपको, बार बार में एक ही चीज क्यों वो करता हूं, रिवाइज क्या बोलते हैं उसको, रिपीट क्यों कर रहा हूं बार बार में, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। बार बार में कोई नहीं बोलता बच्चों, लेकिन मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूं, हर चीज को दो या तीन बार रिपीट करता हूं, क्योंकि आपको चीज समझ में आ जाए, थोड़ा लंबा खींचेगा पर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये थी इसके टर्म्स, स्फेरिकल मिरर्स की, ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, किसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस है, है ना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों वापिस आ गया मैं, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, किसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो पढ़ो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, रियल इमेज में पढ़ो बच्चों, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जो रियल इमेज होती है ना उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं या स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, है ना, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, देखो ये रहा मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, रेज ऑफ लाइट आई टकरा के यहां चली गई, एक और आई चली गई, ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, मतलब इमेज यहां बनेगी, ठीक है, जहां इंटरसेक्ट करती है वही इमेज बनती है। तो यहां मैं कोई स्क्रीन रख दूंगा तो इमेज फॉर्म हो सकती है ना, बिल्कुल फॉर्म हो सकती है, क्यों फॉर्म हो सकती है, क्योंकि ये मिरर के बाहर है, कहां है, बाहर है। तो जो बच्चों इमेज है उसको क्या है, हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं या ले सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इसको बच्चों स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो जरा यहां पे, ये है मिरर, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई टकरा के चली गई,
ठीक है, ये दूसरी आई टकरा के चली गई, ठीक है। अब ये एक्चुअल में तो मीट कर ही नहीं, मिरर के सामने तो मीट नहीं कर रही है ना, मिरर के सामने तो ये मीट ही नहीं कर रही। ओके ठीक है, अब मैं इसको पीछे ले जाऊंगा, ऐसे कुछ 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 कुछ, तो ऐसा लग रहा है ना पीछे मीट कर रही है, देखो अपीयर्स टू मीट। अब मुझे एक बात बताओ, मिरर के अंदर में क्या कोई प्लेन रख सकता हूँ क्या? अरे मिरर के अंदर घुस के कोई प्लेन रख सकता हूँ फिर देखू कि हाँ उस पर इमेज फॉर्म हो सकती है? हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। तो यही बात है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इमेज ही मिरर के अंदर बनती है। क्या बनती है? मिरर के अंदर, ठीक है। और जो इसमें मिरर के बाहर, ये देखो बाहर मीट कर रही है और इसमें अंदर मीट कर रही है, ये रहा मिरर, मिरर के अंदर मीट कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप प्लेन मिरर की बात करते हैं, मिरर के अंदर कोई घुस के, मिरर को अंदर घुस घुसा के आप कुछ प्लेन लेन रख सकते हो क्या? इमेज को फॉर्म कर सकते हो कोई स्क्रीन पे अंदर लगा के? कैसे करोगे? हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। इसको इसलिए कहते हैं रियल इमेज। तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया, इसको हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं और इसको स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंस देखो बच्चों, द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रेज ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद मीट एट अ पॉइंट। यस सही है, रिफ्लेक्शन के बाद मीट ही तो करती है एक पॉइंट पे। ये देखो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, मीट कर रही है ना, मिल रही है एक दूसरे से, ये देखो यहां पे, तो एक पॉइंट ये। अब इसका देखो, द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, जो रे ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों अपीयर, मतलब हमें लग रहा है कि वो मीट हो रही है। देखो हमें लग रहा है ना वो मीट हो रही है अंदर, एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? एक्चुअल में तो मीट ही नहीं हो रही है, तो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, ये तो मीट ही नहीं होगी, पीछे जाएगी, नहीं होगी। तो कैसा लगता है कि अपीयर्स टू मीट, ऐसा लग रहा है कि वो मीट हो रही है, किसके अंदर? मिरर के अंदर। तो ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट देखो, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो इमेज बनती है ना बच्चों, किससे? रियल इमेज जो होती है ना, रियल इमेज हमेशा क्या होती है? ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब हमेशा उल्टी होती है। क्या होती है? हमेशा उल्टी। उल्टी का मतलब जैसे मैं बताऊं, यहां पे ये आदमी है, ठीक है। अब इन्वर्टेड की बात करेंगे ना उल्टी, तो ऐसा हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? है ना, तो ये होती है इन्वर्टेड। तो जो रियल इमेज होगी ना बच्चों, हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। ये देखो इन्वर्टेड होगी रियल इमेज, हमेशा इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो वर्चुअल इमेज होगी ना बच्चों, हमेशा सीधी होती है। सीधी समझते हो? ये देखो, देखो ये आदमी है और इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी बिल्कुल सीधी बनेगी। सीधी मतलब ऐसे, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मैंने बताया था कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। अपन जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें जो हमारा जो राइट हैंड होता है मिरर के अंदर क्या लगता है? वो लेफ्ट हैंड लगता है। तो मैंने बताया था ना लेटरली इन्वर्टेड, अभी आगे और अच्छे से बताऊंगा लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि इट इज ऑलवेज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। जो मिरर के अंदर इमेज बन रही, मिरर के अंदर ही बन रही है ना, तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमेशा सीधी होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये समझ में आया? तीन डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर है, इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अच्छा मल्टीपल का वर्ड का मीनिंग तो पता ही होगा, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, है ना, मल्टीपल बार बार में, रिफ्लेक्शन मतलब बार बार में, मतलब जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का वर्ड का मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्शन है वो बार बार में होगा, मल्टीपल होगा। अब कैसे होगा, कहाँ होगा, ये कौन बताएगा सर? वो मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं।
मल्टीपल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन? अच्छा, कैसे होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसकी बात करते हैं पहले, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले दो मिरर लेने, क्या लेने, दो मिरर, प्लेन मिरर लेने हैं, दो प्लेन मिरर लेने हैं और उन्हें किसी ना किसी एंगल पे रख देना है। जैसे मैं लेता हूँ या बना दूँ, ठीक है बना देते हैं, टिचुक टिचुक टिचुक, बना दिया। एक मिरर ये रहा प्लेन मिरर और एक ये रहा, है कि नहीं है, ये एक एंगल पे रखे हुए है ना कोई एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां नहीं बता पाऊंगा पर घर करके देख लेना। अब कुछ ना कुछ यहां ये मिरर है, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं मैं, जैसे एरो बना दिया मैंने, ठीक है एरो बना दिया, तो जो इसकी इमेज है ना वो यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी और अंदर भी बनेगी, है ना, यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी। तो यहां क्या होगा बच्चों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये मिरर मैंने एक एंगल पे रख दिया, कोई सा भी एंगल पे रख दिया है मैंने, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी। अब इस वाले मिरर के अंदर ये वाला मिरर भी तो दिखेगा, दिखेगा ना, तो यहां क्या होगा बच्चों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। यहां एक इमेज बनेगी, यहां एक इमेज बनेगी और जो जो दो मिरर है, दोनों मिरर का जो एज है, जहां पे ये मीट कर रही है, देखो ये एज है, इस एज पे बच्चों दो बार रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, ट्वाइस रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे भी जो क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। यहां जो इमेज बनेगी बच्चों लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, यहां पे भी लेटरली इन्वर्टेड, पर जहां दो बार रिफ्लेक्शन होगा, ट्वाइस रिफ्लेक्शन होगा अंदर की साइड, वहां जो इमेज बनेगी बच्चों लेटरली इन्वर्टेड नहीं बनेगी, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन होगा यार, ठीक है। दोनों के अंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये यहाँ नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है यहाँ नहीं बता पाऊंगा। एक डायग्राम है, डायग्राम देखोगे आपके नोट्स में है तो पता चल जाएगा, पर ऐसे यहाँ नहीं बता पाऊंगा। बस मेरी बात को समझ लेना या घर पे करके देख लेना, दो मिरर को ऐसे रखना और कुछ ऑब्जेक्ट रख लेना, उसके अंदर बहुत सारी इमेज बनेगी, बहुत सारी, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, है ना, क्योंकि वहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। तो मेरी बात समझ में आई, समझ में आई। अच्छा अब एक चीज है, एक चीज है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया कि बहुत बार अंदर बार बार में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि जो इमेज है वो अंदर कितनी बनेगी, अंदर इमेज इन मिरर्स के अंदर कितनी इमेज बनेगी, जब दो मिरर को हम किसी एंगल पे रख देते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं बाहर, तो कैसे पता चलेगा कि अंदर कितनी इमेजेस बनेगी, है ना, ये तो दिमाग में डाउट होगा। तो बच्चे इसका एक फॉर्मूला है ना, अगर दो मिरर के, दो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका एक फॉर्मूला है कि कितनी इमेज बनेगी। लिख दो फॉर्मूला, लिख देते हैं नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज मतलब कितनी इमेज बनेगी, कब, जब दो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ में ऐसे रखे हुए हैं किसी ना किसी एंगल पे, ओके। तो क्या फॉर्मूला है, 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर माइनस वन, ये फॉर्मूला याद रख लो बच्चों, इससे आप बता सकते हो कि कितनी कितनी इमेज बनेगी। अब इस एरो, ये एरो मैंने रखा है इन दोनों मिरर के बीच में, आप कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा कि यार अंदर कितनी इमेज, वही बात आ गई कि मैं यार नहीं बता सकता, पर इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि अंदर कितनी इमेजेस बनेगी, है ना, कितनी इमेजेस बनेगी। 360 क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल बिटवीन मिरर, ये जो एंगल रखे ना आप ये दोनों जो मिरर रखे आपने प्लेन मिरर, इनके बीच में क्या एंगल है ना, वो एंगल माइनस वन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी का, सपोज दैट इन दोनों के बीच में बच्चों 90 डिग्री का एंगल है, कितना है 90 डिग्री का एंगल, कितना है 90 डिग्री का, सपोज दैट 90 डिग्री पे रख दिया ऐसे,
कैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री समझते हो ना, बिल्कुल ऐसे। अब इन दोनों के बीच में क्या रखो, एक ऑब्जेक्ट रख दो, तो आप बता सकते हो आपके कितनी इमेज बनेगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर कितना है 90, लो भाई 90 रख दिया, माइनस 1, इसको सॉल्व कर दो, 91 जा 90, 92 जा 80, 93 जा 270, 94 जा 360, तो 4 टाइम में कट। अब 4 माइनस 1 कितने आए बच्चों, 3, तो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी बच्चों, 3। कितनी इमेज बनेगी बच्चों, 3। कब बनेगी, जब दोनों मिरर 90 डिग्री पर रखे हुए है ना, 90 डिग्री पर, तब आप ऑब्जेक्ट को रखो, कितनी इमेज बनाएगा अंदर, 3, 1 2 3, 3 बनेगी। ठीक है, अब एंगल चेंज करते हैं, एक ये तो समझ में आया, डस्टर कहाँ है, सपोज दैट बच्चों इन मिरर को मैंने 60 डिग्री पे रख दिया, कितने पे, 60 डिग्री पे, पहले ये ऐसे था, अब ऐसे कर दिया, दोनों के बीच में क्या है बच्चों, एंगल 60 डिग्री है, सपोज ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया, अब देखते हैं कितनी इमेज बनेगी, तो इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर, मिरर के बीच में एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री का, माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इससे इजीली बता दोगे, तो 61 जा 60, 62 जा 120, 60 से कितने टाइम में जाएगा बच्चों, 6 टाइम में जाएगा, ठीक है, 6 माइनस 1 कितना 5, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई बच्चों 5, कितनी इमेज बनेगी बच्चों 5 इमेज बनेगी, बहुत अच्छी चीज है ना, इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हो कि कितनी इमेज बनेगी जब आप दो मिरर को, प्लेन मिरर को ऐसे रखते हो किसी ना किसी एंगल पे, तो 90 डिग्री एंगल पे रखा था तो कितनी इमेज बनी थी, कितनी बनी थी, 3 बनी थी, अब मैंने जैसे ही एंगल थोड़ा बढ़ाया कम किया ना, 90 डिग्री ज्यादा होता है, 60 डिग्री कम होता है, मैंने एंगल थोड़ा कम कर दिया, ठीक है 60 डिग्री पे रख दिया, तो कितनी इमेज बन रही है बच्चों, इमेज 5 इमेज बन रही है इन मिरर्स के अंदर, कितनी बनेगी 5, ऑब्जेक्ट यहाँ एक ही रखेंगे पर इमेज अंदर कितनी बनेगी 5, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, तो यही कहानी थी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अगर बच्चों अब हम पढ़ेंगे कैलिडोस्कोप, क्या पढ़ेंगे कैलिडोस्कोप, अब क्या होता है कैलिडोस्कोप, नाम सुना है क्या आपको, वैसे एक तरीके से क्या होता है बच्चों, टॉय है, क्या है, खिलौना। ठीक है, अब होता क्या है कैलिडोस्कोप में बच्चों, कैलिडोस्कोप क्या करता है, रिफ्लेक्शन का यूज करके अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाता है, क्या बनाता है पैटर्न्स, क्या बनाता है बच्चों पैटर्न्स बनाता है, किसका यूज करता है बच्चों, ये रिफ्लेक्शन का यूज करता है। अब बनता कैसे है ये जो कैलिडोस्कोप है, ये बनता कैसे, कैसा दिखने में कैसा होता है, तो मैं बता दूं कैसा होता है दिखने में, बनाऊं यहाँ पे, ठीक है बना देते हैं, बढ़िया बढ़िया। आपको क्या करना है सबसे पहले मैं बता देता हूं, ऐसे ही बता देता हूं, आपको 3 प्लेन मिरर लेने हैं, कितने 3 प्लेन मिरर, ठीक है कितने लेने हैं 3 प्लेन मिरर लेने हैं, अब उन 3 प्लेन मिरर को आपको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है इनक्लाइंडली फिक्स कर देना, कैसे फिक्स करना है मैं बता देता हूं, जस्ट देखो ये एक हो गया, ठीक है ये दूसरा ये तीसरा, मेरी बात समझ में आ रही है, एक ऐसे है एक ये रहा पीछे की तरफ एक ये रहा, तीनों को क्या कर दिया एक तरीके से ट्रायंगल शेप में फिक्स कर दिया, एक ये रहा प्लेन मिरर ये इसके ऊपर झुका हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 प्लेन मिरर है, डायग्राम थोड़ा समझा नहीं पा रहा मैं, समझ जाओ, ठीक है तो मिरर वाली साइड अंदर है ना, जहां मिरर है ना, जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की साइड है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ना इसको ऐसे उठा के हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है अंदर क्या है मिरर है चारों तरफ, 3 मिरर लिए ना उनको ऐसे इंक्लाइन कर दिया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है अब ये पैटर्न्स कैसे फॉर्म करेगा, तो बच्चों इसको तो पहले इस डिवाइस को क्या कहते हैं कैलिडोस्कोप,
ठीक है, क्या कहते हैं, कैलियोस्कोप। अब देखो इसमें होता क्या है बच्चों, अंदर क्या है, मिरर है ना, मिरर है। अब इसके अंदर बच्चों क्या करते हैं, चूड़ी देखी, बैंगल्स, बैंगल्स होते हैं ना, बैंगल्स कांच की चूड़िया, बैंगल्स उसके छोटे छोटे टुकड़े, कलर्स वाली आती ना, कलर्स वाली, उन टुकड़ों को इसके अंदर भर दिया। इस साइड से बच्चों पैक कर देना है ना, ये जो एक एंड है यहां से क्या कर देना है अपने को, पैक कर देना है। क्या कर देना, पैक, यहां से पैक हुआ हुआ होता है, ठीक है। या पन्नी लगी हुई होती है, क्या लगी हुई होती है, एक पन्नी, पन्नी मतलब एक तरीके से पॉलिथीन बोलो, ट्रांसपेरेंट, ओके। अब क्या करना है बच्चों, आप जब इसको यहां से देखोगे, एक साइड से देखोगे, तो अंदर क्या होगा, अंदर जो बैंगल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। अंदर तीन तीन प्लेन मिरर लगे हुए हैं, अभी तो पढ़ा था इससे पहले दो प्लेन मिरर थे तब वो इतनी सारी इमेज बना रहा था, अब तो तीन प्लेन मिरर है तो कितनी सारी इमेज बनाएगा। तो जब हम अंदर देखेंगे तो क्या होगा, वो अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सा दिखने में लगेगा, है ना। वो बैंगल्स के टुकड़े बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे, क्योंकि उनका अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन बार बार में हो रहा है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, तो ये वाला, ये इस खिलौना ऐसे ही यूज में लेते हैं, बस मेरे को बताना था, आपको बता दिया, पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है, ठीक है। जब आप इसको है ना, ये जो अभी मैंने बताया था, इसको शेक करोगे, इसको शेक करते हो ना, शेक करते हुए देखोगे ना, तो और भी अच्छा दिखाई देगा, वो जो अंदर टुकड़े हैं वो हिलेंगे, तो रिफ्लेक्शन तो मस्त होगा, अंदर अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे, मतलब देखने के लिए यार अच्छी चीज दिखेगी अंदर, ठीक है। ये तो आप खुद भी घर पे बना सकते हो ना घर पे, ठीक। हाँ तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, वही एक और चीज, रिफ्लेक्शन से और क्या हो सकता है, और कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, है ना। तो पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप। अब होता क्या है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बच्चों एक डिवाइस होता है ना, डिवाइस होता है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप, जो पेरिस्कोप की जो वर्किंग है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर को यूज करके उसके सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, क्या ये पेरिस्कोप की वर्किंग है ना, दो प्लेन मिरर यूज करेंगे इस स्कोप के अंदर, फिर पता चलेगा कि ये है क्या, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है ये, आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, दो प्लेन मिरर लेने हैं, क्या लेने हैं, प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर। मैं डायग्राम बना देता हूं फिर आप समझना इसे अच्छे से, ठीक है। हाँ तो बच्चों मैंने एक डायग्राम बनाया, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है पर समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, पेरिस्कोप की, पेरिस्कोप डिवाइस होता है, उसमें क्या होता है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है टू प्लेन मिरर के थ्रू, है ना। इसकी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन बाय टू प्लेन मिरर। ये देखो अब बना कैसे है, दो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर वन एम वन, प्लेन मिरर टू एम टू, ठीक है। और बच्चों एक ये क्या है, ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है। ये देखो ये इसके राइट एंगल पे है, ये एक सीधी ट्यूब, ये एक ऐसी ट्यूब, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे, ये इसके 90 डिग्री पे, फिर एक ये ट्यूब, ये इसके 90 डिग्री पे, ऐसा बनाया, ठीक है। अब ये जो मिरर है इसको मैंने यहां फिक्स कर दिया, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस वाले मिरर को, मिरर जो M2 है, इसको भी क्या कर दिया मैंने, 45 डिग्री पे यहां पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्या कर दिया है, फिक्स, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। अरे सर ये तो सब ठीक है पर है क्या ये चीज, अच्छा अभी भी नहीं पता चला आपको कि ये है क्या, मैं बताता हूं। देखो अब इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। अब हम इसको, अब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक डिवाइस आ गया अपने हाथ में ऐसे, चलो है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब मुझे चीजें यहां से भी मैं देख सकता हूं, क्या करूंगा, कैसे दिखेगा बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आदमी खड़ा है, ठीक है, और हम छुप के बैठे हैं कहीं किसी चीज के पीछे, ये पेरिस्कोप लेके कहीं छुप के बैठे हैं, इसका ये वाला सिरा तो बाहर है, ठीक है। तो इसकी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगी, हमें देख सकते हैं छुप के ऐसे, कैसे देखेंगे, इसकी लाइट आएगी, है ना,
इस ये जो आदमी है इसकी लाइट आएगी है ना, इसमें से कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, आई, चलो चलो चलो, ओहो अंदर घुसेगी यहाँ से, क्योंकि ये इसके सामने है तो अंदर तो घुसेगी, ठीक है अंदर घुसी, अंदर देखा ओहो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कितने एंगल पे है बच्चों, 45, और मिरर क्या करता है रिफ्लेक्शन करता है ना लाइट का, तो ये 45 डिग्री पे है तो लाइट ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चलो रिफ्लेक्ट हो गई, ओहो अब नीचे आई, देखा अरे वाह यहाँ पे भी एक मिरर है, तो यहाँ से मिरर क्या करता है बच्चों रिफ्लेक्शन कराएगा, तो ये लाइट यहाँ से भी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये कितने डिग्री पे है 45 एंगल पे ही तो है ये M2 मिरर, तो ये लाइट आई ऐसे, ठीक है अब इस मिरर से क्या होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कहाँ होगी इस साइड में, तो ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचे, तो हमें यहाँ से दिखने लगेगा कि यार कौन आ रहा है, तो इस डिवाइस से आप भीड़ में जहां बहुत भीड़ वाली जगह होती है ना, हमें लेकिन ऐसे उचक उचक के देखना पड़ता है यार, दिख ही नहीं रहा कि आगे क्या है ना, तो आप इस डिवाइस से पेरिस्कोप से देख सकते हो, लगाया अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है तो समझ में आया, ये आप घर पे बना सकते हो, ओके घर पे बना सकते हो, बड़े काम की चीज है, तो ये तो एक इन्वेंशन हो गया बच्चों है ना, काम की चीज है ना, तो ठीक है इसको नोट कर लो फटाफट, ध्यान से देखो ये तुम्हारे जैसा आपके जैसा एक प्यारा सा बच्चा बनाया मैंने, ठीक है अब एक ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर है, क्या ये प्लेन मिरर है ना, क्या है प्लेन मिरर है, ओके तो हम क्या पढ़े लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है प्लेन मिरर के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है, जिस बच्चे के हाथ में उसके राइट हैंड में क्या है बुक है, लेफ्ट हैंड में क्या है लॉलीपॉप खा रहा है कैंडी है, ठीक है राइट हैंड में क्या है बुक, लेफ्ट हैंड में क्या है कैंडी है, किसके सामने खड़ा है प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, तो मिरर के सामने खड़ा है तो उसकी इमेज बनेगी, अब लैटरल इन्वर्जन होगा क्या, इमेज कैसे बनेगी, तो बच्चों जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, लैटरल इन्वर्जन कैसे होता है, इसकी जो ये वर्टिकल एक्सिस है ये देखो ये क्या है वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है ना वर्टिकल एक्सिस, ये जो लाइन है वर्टिकल एक्सिस, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो वर्टिकल एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी, कितने डिग्री पे 180 डिग्री पे ऐसे घूम जाएगी, ठीक है तो ये बंदा ऐसे सामने खड़ा है, खड़ा है राइट हैंड में क्या है बुक, लेफ्ट हैंड में क्या है कैंडी, मैंने क्या बोला जब इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर तो वर्टिकल एक्सिस के थ्रू कितने पे घूम जाएगी 180 डिग्री पे, तो मैं वर्टिकल एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री पे घूम जाऊं ये ले पहले वो रहा 90 डिग्री पे अब ले पूरा 180 डिग्री पे, तो इमेज ऐसे ही तो बनेगी, ये देखो इमेज कैसे बन रही है इसके सामने वाली बन रही है ना, अब ये देखो ऐसे घूम गई, ठीक है अब बुक कौन से हाथ में आ गई इस हाथ में और कैंडी के साथ में आ गई इस हाथ में है कि नहीं है, तो राइट लेफ्ट हो गया और लेफ्ट राइट हो गया, यही तो होता है हमारे साथ मिरर के अंदर जब देखते हैं राइट हैंड लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट हैंड राइट हो जाता है, यही होगा कि नहीं होगा है यही होगा ना, ठीक है तो सही है क्या ये, बिल्कुल सही है समझ में आई मेरी बात, लेटरल इन्वर्जन यही होता है कि वर्टिकल एक्सिस के थ्रू जो इमेज होती है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती है, तो वही लेटरल इन्वर्जन होता है। अच्छा एक चीज और, एम्बुलेंस देखी है, एम्बुलेंस होती है उसके जो आगे एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, उल्टा मतलब ऐसे, ऐसा लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस, देखा होगा एम्बुलेंस के आगे ऐसा उल्टा लिखा हुआ रहता है, क्यों ये लेटरल इन्वर्जन ही है बच्चों, क्योंकि जब इन वर्ड्स को आप मिरर के अंदर देखोगे ना, इन सारे वर्ड्स को जब आप मिरर में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ए तो वैसे ही रहेगा, ए को आप कितना ही 180 डिग्री पे घुमा लो ऐसा ही रहेगा ए पे, ठीक है एम भी ऐसा ही रहेगा, बी घूम के ऐसा हो जाएगा, यू वैसा ही रहेगा, एल घूम के ऐसा हो जाएगा, ए वैसा रहेगा, एन घूम के ऐसा हो जाएगा, सी ऐसा हो जाएगा घूम के, ये देखो एम्बुलेंस, तो आपको मिरर में क्या दिखेगा वो एम्बुलेंस आ रही है, तो इसलिए उल्टा लिखा जाता है, क्यों उल्टा लिखा जाता है, जब एम्बुलेंस इमरजेंसी पे ट्यून यून यू करते हुए चलती है तो आप देखते हो यार पीछे क्या आ रही है, साइड मिरर में देखते हो ना गाड़ी के कि पीछे क्या आ रही है, तो साइड मिरर में आपको ये एम्बुलेंस सीधा दिखेगा,
अगर एम्बुलेंस पे ये एम्बुलेंस ऐसा सीधा लिख देते तो मिरर के अंदर क्या दिखता, हमें ऐसा दिखता उल्टा, तो हमें समझ में ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता, चलने दो गाड़ी मस्त, ठीक है। लेकिन ये उल्टा इसी वजह से लिखते हैं कि आपको मिरर के अंदर ऐसा दिखाई दे, क्योंकि मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्जन, ठीक है ना। तो वर्ड भी तो लेटरली इन्वर्ट होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, करके देख लो, हाँ करके देख लो, बी को कॉपी के ऊपर लिखो फिर उसको मिरर के अंदर देखो, ऐसा दिखाई देगा। तो मेरी बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, तो इसलिए लिखते हैं एम्बुलेंस के ऊपर ऐसा उल्टा, क्योंकि जो आगे गाड़ी चल रही है उसको उसके कांच में दिख जाए कि हाँ पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। तो लेटरल इन्वर्जन समझ में आया, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती है, ठीक है। जैसे बी की बात करूं, ये बी लिखा मैंने, अब इसकी इमेज किसके अंदर देखेंगे, प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे, तो ये बी 180 डिग्री पे घूम जाएगा, इसको 180 डिग्री पे घुमाओ तो ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, तो इसकी इमेज मिरर के अंदर ऐसी बनेगी, ये 180 डिग्री पे घूम गया है, किसके थ्रू, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, इसको घुमाओ, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, नोट कर लो फटाफट।